हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। होप एवरीवन इज डूइंग गुड। सो मेरा नाम है निधि। सो ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि आज मैं अपना पूरा 1.5 ईयर हो गया मुझे यूज़ करते हुए मेंस्ट्रुअल का, एंड अब मैं वो पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। साथ में ही अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है तो आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, और अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं और इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, जो ट्रू माई पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो वो काफ़ी हेल्पफुल वीडियो रहेगा आपके लिए भी। सो डू वॉच द फुल वीडियो, एंड आपको लगता है जिसके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है देन आप शेयर भी कर सकते हैं। सो कमिंग टू टुडेज टॉपिक, मुझे 1.5 ईयर हो गए हैं। सो शुरू में क्या होता है कि थोड़ा सा फियर होता है मेंस्ट्रुअल कप का, क्योंकि पैड्स तो हम आराम से बाहर लगाते हैं एंड उसको लगाना ईजी होता है, स्टिक किया एंड यूज़ किया एंड थ्रो कर दिया, बट मेंस्ट्रुअल कप को इंसर्ट करना होता है, दैट इज़ द फेयरेस्ट पार्ट। क्योंकि एंड जो बिगिनर्स होते हैं, स्टार्टर्स होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि ये मेंस्ट्रुअल कप अंदर तो नहीं घुस जाएगा, एंड रियली शुरू में काफ़ी डर होता है। सो वो धीरे धीरे ओवरकम हो जाता है जब आप एक दो बार यूज़ करते हैं, तो फिर आपको पता चल जाता है कैसे करना है, कैसे इंसर्ट करना है, कैसे निकालना है, कैसे वॉश करना है एंड कैसे उसे यूज़ करना है। सो नाउ एज अ बिगनर, अगर आप पहली बार कप को इंसर्ट करें और आपने सक्सेसफुली कप को इंसर्ट कर दिया है, नाउ आपको कभी कभी, मुझे तो ये फियर होता था कि अरे कहीं अंदर तो नहीं घुस जाएगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, वो बिल्कुल अंदर नहीं जाता है, क्योंकि हमारा वो पार्ट बना ही इसलिए कि एवरीथिंग वो बाहर निकालने के लिए ही बना है। सो नथिंग विल गो इनसाइड योर बॉडी, सो डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और अगर ऐसा लगता है कि कप ज़्यादा अंदर चला गया है, सो यू जस्ट सिट डाउन इन अ स्क्वाट पोजिशन, थोड़ा सा जोर से प्रेशर लगाइए, जब हम पॉटी करते हैं जिस तरह से प्रेशर लगाते हैं, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली इसकी जो टेल होती है ऑटोमेटिकली बाहर की तरफ आ जाएगी, एंड देन यू कैन होल्ड इट एंड ईजली यू कैन देन टेक इट आउट। नहीं, एज अ बिगनर ये वाला जो फियर ज़रूर होता है, और ये होता भी है, वो कभी कभी इंसर्ट करने के टाइम पे जब हम काफ़ी देर बाद उसे निकालते हैं तो मिलता नहीं है, और लोग डर जाते कि अरे क्या हो गया, घुस तो नहीं अंदर, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बस आपको बस यही करना है, स्क्वाट्स में बैठना है, थोड़ा सा प्रेशर लगाना है, वो अपने आप बाहर की तरफ आ जाएगा एंड देन यू कैन टेक इट आउट। जब मैंने पहला मेंस्ट्रुअल कप जब मैंने यूज़ किया था, वो साइज ही गलत था, मैंने उसको डालने की कोशिश की, वो गया ही नहीं और वो बाहर अपने आप पंप आउट हो रहा था। सो दैट मीन्स कि सबका साइज अलग होता है, एंड फॉर जैसे कि मेरी सिजेरियन डिलीवरी हुई है, तो सिजेरियन में हमारा वो एरिया एक्सपैंड होता ही नहीं है, तो उसकी वजह से हमें जो कप लगता है यूज़ होगा हमारे लिए, वो है स्मॉल साइज। एंड स्मॉल साइज फॉर ऑल द आई थिंक जो गर्ल्स हैं या फिर जो टीनेजर्स हैं या फिर आप 20s में हैं एंड आपकी शादी नहीं हुई या बच्चे नहीं हुए हैं, या फिर तो आप स्मॉल साइज यूज़ कर सकते हैं। देन अगर आपका आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, देन आप मीडियम से एल के साइज यूज़ कर सकते हैं। तो तीन ही साइज आते हैं इसमें, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। सो मीडियम और लार्ज उन्हीं को यूज़ होगा जो आई थिंक उन्होंने नॉर्मल डिलीवरी की है, अदरवाइज अगर आपने सिजेरियन हुआ है या फिर आप यंगस्टर हैं, अनमैरिड हैं, देन आपको स्मॉल साइज लगेगा, एंड इट डिपेंड्स ऑल अप टू डिफरेंट बॉडी साइज। तो मुझे अभी भी स्मॉल यूज होता है, आई यूज स्मॉल वन। नाउ कमिंग टू द लीकेज पार्ट, अब इतना तो सारे प्रमोशंस में कहते हैं कि नो लीकेज, लेकिन लीकेज होता है। लीकेज तब होता है इनिशियल फर्स्ट 2 डेज में, जब फ्लो बहुत ज़्यादा होता है तब लीकेज होने लगता है, क्योंकि कप भर जाता है, क्योंकि फ्लो ज़्यादा है तो जल्दी कप भर जाता है, और वैसे भी हम जो लोग स्मॉल यूज़ कर रहे हैं उनका अगर जल्दी भर रहा है तो उन्हें फ्रीक्वेंटली जल्दी चेंज करना पड़ता है, कप निकाल के वॉश करना पड़ता है अगेन, मतलब वो 2 to 3 times या 3 to 4 times भी हो सकता है। सो ये एक इसमें ड्रॉबैक है। सो उसके लिए मैं फॉर एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के लिए एक पैड लगा लेती हूँ, तो मेरे सिर्फ दो दिन में 2 pads यूज़ होते हैं, 1 pad लगा लो वो पूरे दिन चल जाता है आराम से, क्योंकि थोड़ी बहुत जो लीकेज होती है वो पैड एब्जॉर्ब कर लेता है। सो उसकी वजह से सिर्फ 2 ही pads यूज़ होते हैं, जो कि काफ़ी लेस कंजम्पशन है। सो रिमेनिंग 3rd day, 4th day, 5th day आप आराम से लगा के रख सकते हो, उसके बाद कोई लीकेज नहीं होती क्योंकि फ्लो कम होता है, वो ईजिली होल्ड करके रखता है। सो आई टोटली लव दैट पार्ट, मतलब फर्स्ट 2 days थोड़े से क्रिटिकल होते हैं,
बाकी थर्ड डे फोर्थ डे फिफ्थ डे आराम से निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है. सो दैट इज द बेस्ट पार्ट है. ज़्यादा बड़ा कप है तो ज़्यादा क्वांटिटी होल्ड करके रखेगा, इसलिए लीकेज नहीं भी हो सकता है. सो इट्स ऑल अप टू यू क्या किस तरह का कप यूज़ कर रहे हैं. मैं जो यूज़ करती हूँ स्मॉल, तो उसमें कभी कभी लीक हो जाता है, ओवरफ्लो होने लगता है, तो पता भी चल जाता है, तो हम तुरंत जाके चेंज कर सकते हैं, मतलब निकाल के वॉश करके अगेन. सो थोड़ा सा जब आप चेंज करते हैं ना, तो वो जो प्रोसेस थोड़ा सा टीडियस होता है उसके लिए, मतलब अपना पर्सनल बाथरूम हो तभी अच्छा है, कहीं और हम पब्लिक प्लेस पे नहीं कर सकते इजीली. और जो लोग कर सकते हैं लोग अपने टैक्टिक्स निकाल लेते हैं क्लीन करने के, बट मुझे तो घर पे ही बेटर लगता है. फर्स्ट जो सबसे पहले मेरी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि इंसर्ट कहाँ करना है, कहाँ डालना है, कहाँ. सो आई वॉज सो कन्फ्यूज एंड आई फिर धीरे धीरे खुद ही अपने आप रियलाइज किया एंड देन आई inserted it. तो थोड़ा सा नीचे पार्ट में होता है जहाँ पे आप इंसर्ट करके चेक कर सकते हैं कि कहाँ डालना है. सो वो इनिशियली चला जाता है. और पहली बात कि अगर आप एज अ बिगिनर हैं, पहली बार ट्राई कर रहे हैं, तो ज़रूर स्मॉल साइज ही लें, ज़रूर स्मॉल साइज ट्राई करें, जिससे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से, और ईजिली वो इंसर्ट हो जाता है, निकल भी जाता है. सो यू विल डेफिनेटली लाइक इट. सो सबसे ज़्यादा बेस्ट पार्ट मेजर कप यूज़ करने का ये है कि आप रात में आराम से चैन भी नहीं ले सकते, मतलब आपको ऐसा ये नहीं कि सीधे लेटना है और आप ओवरफ्लो हो जाएगा, लीकेज हो जाएगी, तो वो उसका फिक्र कम हो जाता है. अगर आपने एक बार वॉश करके उसको लगा लिया है, देन आप आराम से फुल नाइट आराम से निकाल सकते हैं ईजिली, विदाउट मतलब आप चैन की नींद ले सकते हैं. सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट. सपोज आप बाहर भी जा रहे हैं और अगर आपने उसे एक बार क्लीन कर लिया है और देन आप आसानी से बाहर आराम से ट्रैवल कर सकते हैं, बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि कुछ भी पहना है. और इट इज़ रियली वर्थ यूजिंग एंड ट्राइंग. आई एम टोटली लविंग. मतलब पहले दो दिन होते वो आराम से चल जाते, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा अगर लीकेज भी हुई, सपोज हुई भी, अगर आपने लगाया है हुई भी, तो एक एक्स्ट्रा पैर लगा के नीचे रखिए, थोड़ी बहुत उसमें डॉट्स आएंगे, बट रियली इट विल हेल्प यू अ लॉट. बड़ा मतलब कि इट विल जस्ट, ऐसा लगता ही नहीं कि पीरियड्स कब आए कब चले गए, पता ही नहीं चलता है. सो दैट इज़ रियली हेल्पफुल. नाउ मेंस्ट्रुअल कप को इंसर्ट करने के दो से तीन अलग अलग फोल्ड्स होते हैं. मेरा जो प्रेफरेंस वाला जो फोल्ड है वो ये है, और मैं इस तरह से फोल्ड करके आराम से इंसर्ट कर लेती हूँ, एंड रियली इट हेल्प्स. एंड निकालने के लिए बस आपको थोड़ा सा उसका जो टेल है उसको पकड़ के खींचना है धीरे से, एंड देन वो ईजिली धीरे धीरे आपको एक तरफ से प्रेस करिए और धीरे से वो निकल आता है. सो एंड देन फिर पूरा जो भी ब्लड है उसको आप ड्रेन कर दीजिए, एंड उसको फिर से अगेन थोड़ा नॉर्मल पानी से भी धो लेंगे तो भी चलेगा. बेस्ट है कि नॉर्मल पानी से उसे वॉश कर लें, एंड अगर आपके पास इंटीमेट केयर का जो इंटीमेट वॉश है उससे भी वॉश कर सकते हैं. अदरवाइज लूकवॉर्म वाटर इज द बेस्ट, अगर आपके पास इंटीमेट वॉश नहीं है तो. नाउ कमिंग टू कि अब कौन सा मेंस्ट्रुअल कप अच्छा है, कौन सा बुरा है, तो अभी तो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स, बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं अमेजोन पे. आप अमेजोन से कोई भी ले सकते हैं, एवरीव के ले सकते हैं, सिरोना के ले सकते हैं, एंड और भी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स हैं. देन यू कैन ट्राई एनी वन, सब अच्छे हैं. एंड आजकल तो और पहले महंगे आते थे, पहले 400-500 का एक आता था, अभी तो 200-300 के आ जाते हैं आराम से. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि आप इनको आराम से 5-10 ईयर्स तक आराम से यूज़ कर सकते हो वॉश कर करके. सो इससे एक तो वेस्टेज बहुत कम है, मतलब वेस्टेज बहुत कम हो जाता है, ड्रास्टिकली कम हो जाता है. अगर आप एक मतलब कहाँ आप हफ्तों भर पैड्स यूज़ कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, और कहाँ सिर्फ अब दो ही पैड्स यूज़ होते हैं मेरे, और बाकी मेंस्ट्रुअल कप से काम चल जाता है, एंड हमें पैड्स पे बार बार मनी भी नहीं वेस्ट करनी पड़ती है. सो आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स. अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ चीज मिस कर दी है, देन यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. आप कमेंट बॉक्स में आराम से अपने क्वेश्चंस या क्वेरीज डाल सकते हैं, जिससे कि मैं आप उसे रिप्लाई कर सकूं. सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो. होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो एंड हेल्पफुल लगा हो, एंड फॉर मोर सच वीडियोस एंड फॉर योर सपोर्ट डू सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Bye, see you all.